हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले टॉप क्रिमिनल रिंग इवेंट का, जिसके अंदर कंफर्म हो चुका है कि हमारे ओल्ड वाले क्रिमिनल बंडल्स भी जो है रिटर्न आने वाले हैं। और इसी के साथ रिव्यू करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टॉप इवेंट का। तो गाइस, अभी के टाइम पे जो बोनस टॉप इवेंट चल रहा है, तो गाइस एंड होने वाला है, नेक्स्ट टॉप इवेंट कौन सा रहने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी जान पाए फ्री फायर के अंदर आने वाले डेली अपडेट्स के बारे में। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है चैनल पे आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर, अभी के टाइम पे जो है बोनस टॉप इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो 17 नवंबर को जो है एंड हो जाना है। उसी के बाद जो हमारे गेम के अंदर एक न्यू टॉप इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर आपको जो है 100 डायमंड टॉप करने पर इमोट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बैनर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का, तो गाइस कुछ इस तरीके का इमोट जो आपको 100 डायमंड टॉप करने पर जो है मिल जाने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके की जो है लुक रहने वाली है इमोट की, तो आज कुछ इस तरीके का इमोट जो आपको देखने को मिल जाने वाला, वाच एक कार्टून, तो आज कुछ इस तरीके का नेम रहने वाला है इस इमोट का। तो ये वाला इमोट जो आपको 100 डायमंड टॉप करने पे फ्री पे क्लेम करने के लिए मिल जाने वाला है। तो इस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर जो है 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है नियॉन गोस्ट क्रिमिनल का इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर हमारा एक न्यू लक रॉयल देखने को मिल जाएगा। उसके साथ जो है टॉप क्रिमिनल रिंग इवेंट भी देखने को मिल जाने वाला, तो एक न्यू इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर हमारा मनी रेन इवेंट देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक न्यू लक रॉयल के बारे में, जिसके अंदर हमारे जो है गोस्ट क्रिमिनल थीम इवेंट के जो कि रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाने वाले। तो यहाँ पे जो है एक बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाने वाली है, जो कि गोस्ट क्रिमिनल थीम के ऊपर बेस रहने वाले। तो कुछ इस तरीके की लुक जो आपको बैकपैक की देखने को मिल जाने वाली, उसके साथ जो है सेकंड रिवॉर्ड के अंदर आपको लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिल जाने वाली है, थर्ड रिवॉर्ड के अंदर जो है ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिल जाने वाली है। तो इस लक रॉयल की कंफर्म डेट निकल के आ रही है 19 नवंबर को, जो आपको ये वाला एक लक रॉयल जो है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिल जाने वाला। तो कन्फर्म डेट आ चुका है 19 नवंबर को, जो है ये वाला लक रॉयल जो आपको हमारे इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। इंडिया सर्वर, बांग्लादेश सर्वर, सिंगापुर, यूरोप एंड CSI सर्वर के अंदर जो आने वाला है। तो गाइस ये वाला लक रॉयल जो है 10 या 12 दिन चलने वाला है, जिसके अंदर आप जो है टोकन एक्सचेंज से भी रिवॉर्ड ले पाएंगे। इसके साथ बात कर लेते हैं हमारे टॉप क्रिमिनल रिंग इवेंट के बारे में, तो कब तक आने वाला है, कंफर्म डेट क्या रहने वाली है। तो गाइस टॉप क्रिमिनल इवेंट का जो है बैनर निकल के आ चुका है, तो कुछ इस तरीके का बैनर आप देख पाए। तो गाइस 23 नवंबर को जो आपको ये वाला रिंग इवेंट देखने को मिल जाना है, जिसके अंदर हमारे ओल्ड क्रिमिनल बंडल्स भी जो आपको देखने को मिल जाना है। तो गाइस कुछ इस तरीके का जो है रिंग इवेंट का बैनर आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे भी जो मेंशन नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सल टोकन या यूनिवर्सल वाउचर जो है यूज नहीं होने वाले हैं। तो अब पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको जो है हमारे टॉप क्रिमिनल रिंग इवेंट जो कि कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सल टोकन जो है यूज करने के लिए मिल जाने वाला है। अगर आपके पास पहले से यूनिवर्सल टोकन है तो आप जो है बंडल्स को एक्सचेंज कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके पास अगर डायमंड्स हैं तो आप डायमंड्स जो है स्पिन करके जो है यूनिवर्सल टोकन आपके पास थोड़े बहुत पड़े होंगे, तो गाइस आपसे उनसे जो है इन वाले क्रिमिनल बंडल्स को, ओल्ड क्रिमिनल बंडल्स या फिर न्यू वाले क्रिमिनल बंडल्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके का रिंग इवेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा नियॉन गोस्ट क्रिमिनल आने वाला है, उसके साथ नियॉन रेड क्रिमिनल भी आने वाला है, उसके साथ ग्रीन क्रिमिनल, येलो, ब्लू, पर्पल, तो गाइस ये सभी सभी क्रिमिनल बंडल जो आपको रिटर्न से देखने को मिल जाने वाले। तो गाइस कुछ इस तरीके का रिंग इवेंट रहने वाला है, जिसकी कंफर्म डेट मैंने आपको हम लोगों को बता दी है। तो गाइस 23 नवंबर से जो है ये वाला रिंग इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके का रिंग इवेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा नियॉन गोस्ट क्रिमिनल जो है मेन रिवॉर्ड रहने वाला है। तो गाइस कैसा लगा ये वाला क्रिमिनल रिंग इवेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आप सब लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइए। इसी के साथ जो हमारे गेम के अंदर FFWSC का इवेंट जो बाद में स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस 17 नवंबर को जो आपको FFWSC का जो है ईवो बंडल है वो भी रिटर्न से देखने को मिल जाएगा एक न्यू रिंग इवेंट के अंदर। उसके साथ मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि FFWSC इवेंट स्टार्ट होने के बाद जो हमारा ईवो वॉलेट इवेंट, जिसके अंदर हमारी वुड पिकर स्किन आने वाली, वो कब आने वाली है, कन्फर्म डेट क्या आने वाली है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ईवो वुड पिकर की स्किन का, जो ईवो वॉलेट इवेंट है उसकी कन्फर्म डेट जो अभी जो है चेंज कर दी गई। तो यहाँ पे आने वाला था, यहाँ पे 15 नवंबर को ही आने वाला था, बट यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो गाइस ये वाला ईवो वॉलेट इवेंट जो आपको दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर, मतलब 3 या 4 तारीख को जो है दिसंबर मंथ की 3rd या 4th डेट को जो आपको ये वाला ईवो वॉलेट इवेंट हमारे इंडिया सर्वर, बांग्लादेश सर्वर, सिंगापुर सर्वर के अंदर देखने को मिल जाने वाला है, जिसके अंदर हमारी ईवो MP40, ईवो स्कार, ईवो AK, उसके साथ जो हमारा मेन रिवॉर्ड ईवो वुड पिकर की स्किन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके का रिंग इवेंट रहने वाला है। तो गाइस कैसे लगी ये वाला रिंग इवेंट कमेंट करके जरूर से बताइए, मतलब ये वो वॉलेट इवेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए। तो गाइस इसकी कंफर्म डेट मैंने आपको बता दी है, दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर आने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके का रहने वाला है, रिवॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए। तो गाइस यहाँ पे मेन रिवॉर्ड दो ही कन्फर्म हुए, यहाँ पे MP40 और साथ ही गाइस वुड पिकर जो है कन्फर्म हुई है, दिसंबर मंथ के अंदर आने वाली है। तो यहाँ पे AK और स्कार जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, जैसे कन्फर्म अपडेट आ जाएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और इसके साथ बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू FFWSC की हाइपर बुक के बारे में। तो FFWSC का डिस्काउंट इवेंट भी आने वाला है, तो जो हमारे स्टोर के अंदर जो है गैलेक्सी हाइपर बुक के जो टोकन्स हैं उनके अंदर जो है डिस्काउंट आने वाला है। तो 50% डिस्काउंट जो आपको 22 नवंबर को देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस 22 नवंबर को जो है एक दिन के लिए हमारे गेम के अंदर जो है स्टोर के अंदर हाइपर बुक्स का टोकन के अंदर जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है 22 नवंबर को अगले दिन सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग अपडेट के बाद हमारे स्टोर के अंदर जो आपको न्यू वाली गैलेक्सी हाइपर बुक स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो आप 499 डायमंड से परचेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके जो हाइपर बुक जो हमारी गैलेक्सी हाइपर बुक आपको 499 डायमंड के अंदर जो है स्टोर के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाने वाले। तो ये वाली हाइपर बुक आपको 499 डायमंड से परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आप टोकन जो है 22 नवंबर को जो है ले सकते हैं डिस्काउंट के अंदर। तो गाइस 50% डिस्काउंट आपको टोकन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर क्रेडिट 40 डायमंड की मिल रही है तो गाइस आप 20 डायमंड से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको 20 डायमंड की तो मतलब 10 डायमंड के टोकन मिले तो उसे आप हाफ के अंदर जो है परचेज कर पाएंगे। तो गाइस 50% डिस्काउंट रहने वाला, 5 डायमंड के अंदर जो आप टोकन परचेज कर पाएंगे। तो गाइस ये वाला डिस्काउंट इवेंट जो है स्टोर के अंदर आने वाला है। तो गाइस कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताइए। और आज के लिए मिले एक वीडियो के साथ।